हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौरव है एंड स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। मैं अभी जस्ट अपनी एक मीटिंग से फ्री हुआ हूँ, मेरी एक मीटिंग थी, सो मैं रेडी हो चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, एंड मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ। आज हमारा एक पुश डे है, एज मैं एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता हूँ, बट मेरा पुश पुल लेग स्प्लिट यूजुअल पुश पुल लेग स्प्लिट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं जिम पहुँचता हूँ एंड उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है मेरे पुश पुल लेग स्प्लिट में। सो मैं सीधा आपको जिम में मिलता हूँ। हाँ सर, तो फाइनली हम जिम आ गए एंड एज मैंने बोला था कि मैं अपना वर्कआउट स्प्लिट एक्सप्लेन करूँ कि मैं कैसे मेरा पुश पुल लेग स्प्लिट थोड़ा सा अलग है। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट, दो टर्म है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपके लिए ईजी समझ रहा। सो फर्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली होता है कि आप कितने नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ रेप्स कर रहे हो, तो वो आपका वॉल्यूम होता है। दूसरा टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स आपके जो सेट्स हैं या आपके रेपिटेशन जो कर रहे हैं वो कितने क्लोज टू फेलियर है, राइट। सो ये दो टर्म के बेसिस पे मेरा ये पूरा पुश पुल लेग स्प्लिट जो है वो डिज़ाइन है। डिस्क्लेमर, ये पुश पुल लेग स्प्लिट मेरा डिज़ाइन किया हुआ नहीं है। बेसिकली एक यूट्यूबर है जेफ निकॉट करके, अगर आपको मालूम हो तो उनका ये पावर बिल्डिंग प्रोग्राम है, बट ये टोटली वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी बेस्ड है। सो ये पुश पुल लेग स्प्लिट जो है बेसिकली तीन फेजेस में बटा हुआ है। पहला फेज जो है वो 6 वीक्स का है एंड उसमें जो हमारी वॉल्यूम और इंटेंसिटी है दोनों मॉडरेट लेवल पे। नाउ फिर आता है हमारा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज हमारा 4 वीक्स का है जिसमें हमारी वॉल्यूम लो है बट इंटेंसिटी हाई है। फिर आता है हमारा थर्ड फेज। थर्ड फेज बेसिकली हमारा 3 वीक का ही है केवल, जिसमें वॉल्यूम हाई है बट इंटेंसिटी लो है। सो ऐसे ये टोटल 13 वीक का स्प्लिट है। तो इस और इस हर फेज में कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज भी डिफरेंट है पुश पुल लेग्स में। सो बेसिकली ये है, अभी करंटली मैं अपने सेकेंड फेज स्प्लिट के सेकेंड फेज पे हूँ एंड ये सेकेंड फेज का लास्ट वीक ही है। सो नेक्स्ट वीक से मेरा थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स गोना बी हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी। सो यार, मैं जल्दी से वार्म अप कर लेता हूँ एंड उसके बाद सीधा आपको मेन एक्सरसाइज में मिलता हूँ। सो आज का पहला मूवमेंट हमारा जो होगा वो होगा ओवरहेड प्रेसेस। अब इधर आप डंबल से कर सकते हो, चाहे अगर आपके गंजी में मशीन तो मशीन से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मशीन है तो आई प्रेफर मशीन ओनली। सो चलते ये हमारा लो वॉल्यूम फेज है बट हाई इंटेंसिटी है। तो आज का गोल ऐसा है कि हमें 6 to 8 रेप करने हैं एंड हमें ऐसा वेट चूज करना है जिसमें हम 6 to 8 रेप में RP 10 हिट करें। अब ये RP क्या होता है? RP बेसिकली अगर मैं कहता हूँ कि ये पर्टिकुलर सेट में मेरे 8 रेप गए और ये RP 8 है, दैट मीन्स मेरे पास अभी 2 रेप और थे टैंक में। सो RP मतलब होता है जितना भी मैं बोलता हूँ RP 8 है, तो इसका मतलब 2 रेप में और लगा सकता उस वेट पे, जैसे आप देखते। तो आज का जो हमारा गोल है वो 6 to 8 रेप है, ऐसा वेट चूज़ करें जिसमें 6 to 8 रेप में हम फेल करें RP 10 पे। सो अभी पहले 2 वार्म अप है एंड देन हमारे 2 वर्किंग सेट है। सो अभी फिलहाल मैं वार्म अप स्टार्ट कर रहा हूँ एंड देन वी विल डू वर्किंग सेट्स। गोल इज टू कंट्रोल द रेप्स, नेगेटिव कंट्रोल।
कंट्रोल। बेसिकली अब हमारा दो मेन वर्किंग सेट है। हमारा एक गोल ये है कि हमें 6 to 8 reps चाहिए हैं और 6 to 8 reps में हमारा फेलियर रेट होना चाहिए, बेसिकली RPE 10। सो हम वैसा वेट चूज करेंगे जिसमें हम 6 to 8 reps में RPE 10 हिट कर लें। सो जस्ट गो।